शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने 1057 स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। ये वे स्कूल हैं जिनमें 25 से कम विद्यार्थी थे। स्कूल के बंद होने के उपरांत इन बच्चों को पास में लगते स्कूलों में मर्ज किया जाएगा। ये निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि 25 से कम विद्यार्थियों वाले स्कूलों में शिक्षक रखना फिजिबल नहीं था और इससे आर्थिक खर्च को भी बढ़ावा मिल रहा था। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इस बार छात्रों के दाखिले एक महीना लेट यानी 1 अप्रैल की बजाय 1 मई से शुरू होने की संभावना है। वहीं एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि धर्मांतरण कानून व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली करने वाले कानून के खिलाफ केवल 1% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि कानून ठीक नहीं है। बाकी अधिकांश लोगों का यही मानना है कि इस प्रकार के कानून ठीक है। देखिए, ये फैसला सरकार ने बहुत पहले ले लिया था और हमारा मानना है जहाँ 25 से भी कम बच्चे हैं और बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ 8, 10, 12, 14 इतने ही बच्चे हैं, तो ऐसे स्कूल बंद करने का निर्णय हमने पहले ही बहुत पहले ले लिया था। और मेरे ख्याल से शायद पहले एक इस प्रकार का भी आंचला होगा कि हर जगह स्कूल होगा और उसमें कई जगह कुछ ज़्यादा स्कूल भी बन गए, कई गाँव ऐसे भी हैं जहाँ 2 स्कूल भी हैं, तो उसमें निर्णय लिया कि वो एक स्कूल बंद करके दूसरे में बच्चे शिफ्ट हो जाएंगे यदि इतने कम बच्चे हैं या उसके आसपास जो गाँव हैं वहाँ शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि मैं समझता हूँ इतना जो इतने कम बच्चों पे टीचर रखना मतलब वो ठीक नहीं है, आर्थिक उससे भी ठीक नहीं है और वैसे भी क्योंकि टीचर इतने नहीं हैं तो जहाँ बच्चे पूरे होंगे वहीं रखना ठीक है। इसी शैक्षणिक स्तर से बंद हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल, इसी शैक्षणिक स्तर से ही उनके बंद हो जाएंगे। वैसे हमने पहले उनको मौका दिया था इस बात का कि वो बच्चे अपने बढ़ा लें वहाँ, तो कुछ टीचर हमें मिले थे वो कहते थे हमें एक मौका दो हम प्रयास करेंगे और बच्चे बढ़ेंगे। हालांकि बच्चे बढ़े इसमें कोई दो राय नहीं, अब की बार लगभग 2 लाख के करीब बच्चों ने ज़्यादा एडमिशन लिया स्कूल में, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्कूल ऐसे हैं उनको बंद करेंगे। जिस तरह से कोरोना की स्पाइक दोबारा हो रही है और ये मिल भी रहे हैं केसेस, अब स्कूल्स को लेकर क्या आपका मतलब मन है, क्या फैसला है? देखिए, जिस प्रकार का सारा माहौल बन रहा है अभी काफ़ी केस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ हरियाणा में कंट्रोल है अभी। लेकिन मैंने पहले भी कहा था आपसे कि भाई आपके चैनल के माध्यम से मैंने ये बात कही थी कि अगर इस प्रकार के कोई भी लक्षण नज़र आएंगे तो हम कोई देर नहीं करेंगे स्कूल बंद करते, जो भी निर्णय लेना होगा तुरंत उसके निर्णय लेंगे क्योंकि बच्चों की सुरक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है लेकिन शिक्षा भी महत्वपूर्ण है, तो अगर कोई ऐसा लगेगा तो बंद करने का निर्णय भी लिया जा सकता है। कोई स्थिति की समीक्षा के लिए बजट सत्र के बाद कोई बैठक बुलाई है जिसमें आकलन किया जाए? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा लक्षण नजर आएगा तो उसके बाद बैठक करेंगे कि अभी हमारे पास कोई इस प्रकार के केस नहीं, थोड़े बहुत बच्चे हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाया था और कोई जरूरी नहीं उनका कोरोना था, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाया था, जो हमने चेक किया था अगर टेम्परेचर बढ़ाया था तो हमने उनके अभिभावक जो है उनको भी उसकी सूचना दे दी और CMO को भी उसकी सूचना दे दी थी। एक स्कूलों को बंद करने का सर जो ये निर्णय लिया है आपने, पूरे हरियाणा के कुछ ऐसा भी है कि किसी जिले में ज़्यादा है संख्या जो टोटल स्कूल है उनमें? देखिए, अभी इसका पूरा आंकड़ा नहीं मैं आपको दे सकता किस जिले में ज़्यादा है किस जिले में कम है, लेकिन इस जिले के अनुसार कोई नहीं लिया, हमने सारे के ही लिया जहाँ भी इससे कम बच्चे हैं उनका निर्णय लिया। सर, नया शैक्षणिक सत्र जो है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो इस बार करो है जी सर, नया जो हमारा एजुकेशन सेशन होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो इस बार कोरोना के चलते क्या ये प्रभावित होता दिखाई दे रहा है या थोड़ा लेट शुरू किया जाएगा? हाँ, थोड़ा लेट करने का है उसमें, क्योंकि हो सकता है लेट थोड़ा, क्योंकि कोरोना की वजह से अब की बार पढ़ाई में काफ़ी दिक्कत आई, थोड़ा हम चाहते हैं थोड़ा टाइम बच्चों को मिल जाए पेपर देने से पहले, तो थोड़ा लेट हो सकता है। कितना सर, कितना लेट मतलब? नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, उससे कम ही, हाँ कम ही होगा 1 महीना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, 1 महीना होने का नहीं, 1 मई से मान के चले कि नया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 1 मई से पहले पहले शुरू कर दें। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।